मतलब समझ में आ गया है ना, 9 साढ़े 9% की तेजी हो रही है, और इसी तेजी के लिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तेजी क्यों हुई है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, हालांकि वो मतलब एकदम ब्रांड लग नहीं जाएगा टप्पा की, नहीं उसी वजह से तेजी हुई है, लेकिन वो तेजी का एक कारण है इस, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है ना। और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और आप लोग जुड़े रहते हो ऐसा भी नहीं है कि नहीं। एक स्टॉक है मोतीसन ज्वेलर लिमिटेड, भाई अगर आप लोग पीसी ज्वेलर में पहले से कभी फंसे थे और इस तेजी में अगर आप निकल रहे हो ना, तो उसके पीछे का एक कारण तो सबसे पहले यही वाला रहेगा, आईपीओ मोतीसन ज्वेलर लिमिटेड का 5% का सर्किट लग रहा है। और इसमें भी मैं बोला हूँ, इसकी भी वीडियो मैं बनाया हूँ अपने दूसरे वाले चैनल पे, और इसको भी बोला हूँ कि ये भी जाएगा भैया अपर सर्किट में, क्योंकि इसको जितना इसका क्वांटिटी ही नहीं है ना। अब इसमें देखिए पीसीयू ज्वेलर में तो 2 करोड़ 3 करोड़ इक्विटी शेयर एक दिन में ट्रेड हो जाता है, लेकिन इसमें क्या मैटर है ना कि इसमें तो उतना ही शेयर है, केवल मतलब 2.5 करोड़ शेयर इशू ही किया गया है, बाकी शेयर प्रमोटर के पास हैं, ठीक है ना। अब वो मार्केट में लाएंगे तब तो वो तो बेचेंगे नहीं जितना मार्केट में आया, और उस 2.5 करोड़ में ही पहले तो एंकर इन्वेस्टर हो जाएंगे, QIB हो जाएंगे, बड़े बड़े HNI हो जाएंगे, तो फिर बचेगा। तो मतलब 90 लाख या 1 करोड़ शेयर में टोटल मार्केट ट्रेड करना है इसको, ठीक है ना। तो ये तो अपर सर्किट में जाएगा, ये पहले दिन ये अपर सर्किट लगा था, मतलब ये 3 दिन गिरावट के बाद ही मैं बोला था आप लोगों को कि डरने की बात नहीं है, एक दिन इसमें तेजी जिस दिन हो गई उसके बाद फिर ये पीछे घूम के देखेगा नहीं, और ये तेजी हुई फिर भी वीडियो बनाया। और यहाँ पे तो चलिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं कि इसका काम खत्म है। पीसी ज्वेलर में लगातार कंटिन्यू मोमेंटम, आज के डेट में एक अच्छी सी तेजी सुबह सुबह ही आई थी, यहाँ से देख सकते हो, उसके बाद एक गिरावट आई थी, फिर वहीं सपोर्ट बन गया, इसका ऊपर गया सस्टेन किया और फिर ब्रेकआउट दिया। ये वॉल्यूम आप लोगों को दिख रहा है 5 मिनट के कैंडल पे कितना बड़ा वॉल्यूम है, और यही मेन कारण है ये बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, आगे आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और इसका डेली चार्ट पहले देख लेते हैं, डेली चार्ट पे कैसा कैंडल बना है इस तरह से, ठीक है ना, मतलब कंटिन्यू मोमेंटम है। और ये मैं आप लोगों को क्या बोला हूँ, एक चीज़ मैं बोला था जब ये वाले लेवल से तेजी शुरू हुई थी ना, तब मैं बोला था कि ये तेजी जो हो रही है वो 35 रुपये के लिए नहीं हो रही है, 35 रुपये के लिए नहीं हो रही है, ये तेजी हो रही है 50 रुपये के लिए। अब फिर जब 50 रुपये पे आया, 45 रुपये को ब्रेक किया, ऊपर आकर सस्टेन किया, तो फिर से मैं एक शब्द बोला हूँ कि ये तेजी जो है ना वो 50 रुपये के लिए अब नहीं हो रही है, ये तेजी हो रही है, आप लोग कमेंट कर दीजिए किसके लिए तेजी हो रही है, कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है ना, ये तेजी 50 रुपये के लिए नहीं हो रही है, किस के लिए हो रही है ये आप लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या न्यूज कोई आई है, बिल्कुल नहीं, अभी न्यूज नहीं है, गूगल पे कुछ अगर हुआ होगा तो कोई अपडेट आया है, किसी एक्सपर्ट का बयान आया होगा, तो देखिए एक्सपर्ट का बयान, जैसे मैं ही कुछ बोल दूँ तो वो भी तो मेरा बयान हो गया ना, तो कोई एक्सपर्ट कुछ बोल रहा है, कोई एनालिस्ट बोल रहा है, तो वो तो एक बोल ही रहा है ना भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वो बोल रहा है, इसका है कि आप मुझे जीरो समझते हो, उसको आप हीरो समझते हो, बस मतलब तो यही ना है, क्योंकि बोल ही नहीं रहा है कुछ, कुछ तो हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट अपडेट ट्रेडिंग विंडो क्लोज से रिलेटेड है, 31 दिसंबर को आया था, तो ये ऑफिशियल न्यूज है, इसके बाद कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है, ठीक है ना। कोई इंसाइडर ट्रेडिंग वोडिंग वाला डाटा हो तो देख लेता हूँ, वैसे है नहीं। हाँ 10 फरवरी 2021 का है, बाकी कोई बोर्ड मीटिंग डेट है ही नहीं, लास्ट डील का डाटा कल का अगर हम लोग देखेंगे तो कल 20 दिसंबर का ही लास्ट डेटा है, बाकी है नहीं। अब मेन डेटा देख लेते हैं जिसकी वजह से मुझे तेजी देखने के लिए मिली है, और वो जो बड़ा सा ब्रेकआउट है 18 नंबर आप लास्ट डील आज की डेट में देखने के लिए मिली है, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब मैं ओपन किया ना, इसको मैं ओपन किया तो यहाँ पे देखिए, जब वेबसाइट पे मैं गया तो यहाँ पे देखिए कब से तेजी हुई है, यहाँ पे 14 मतलब 2 बजे से ये खरीदारी शुरू हुई है, हालांकि 2-3 लास्ट डील पहले की भी हैं, जैसे 9 बजे तक की हैं, 11 बजे 12 बजे तक की हैं, लेकिन मेन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये 12 बजे से यहाँ से 2 बजे से यहाँ से 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे खरीदारी हुई है, और किसी बंदे ने धीरे 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 करके खरीदारी किया है, पहले 1 करोड़ के शेयर खरीदा, 2 लाख, फिर 2 लाख शेयर खरीदा, फिर 4 लाख शेयर खरीदा, फिर 4 लाख शेयर खरीदा, फिर से जो है 3 लाख शेयर खरीदा, फिर 1 लाख शेयर खरीदा, फाइनली जब उसको विश्वास हो गया ना कि अब लोगों को पता लग रहा है कि नहीं अंदर से खरीदारी हो रही है, मतलब गुप्त खरीदारी हो रही है ना, तो फिर बंदे ने एक एक एका बैग जो है 17 करोड़ भिड़ा दिया, 17 करोड़ मतलब बोले तो
30 लाख इक्विटी शेयर तुरंत खरीद लिया, ठीक है ना, 30 लाख इक्विटी शेयर इसने खरीद लिया। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से 2 करोड़ में यहाँ पे इसने 3.5 लाख की इक्विटी शेयर खरीदा, और फिर से 4 लाख में जो है इसने 7.5 लाख या कह ले 8 लाख इक्विटी शेयर खरीदा है इसने। तो अब एक ही ने खरीदा है कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब इतनी खरीदारी हुई है, और टोटल अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये लगभग लगभग आ जाएगा 35 करोड़ के आसपास, 35 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर जो है वो 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में खरीदे गए हैं, और लास्ट डील सब देखने के लिए मिली है। अब इसमें एक डेंजरस और हो जाएगा, ये 30 लाख एक ही साइड से खरीदा है, और 1.5-2 लाख इसमें 3 लाख ट्रेडिंग हो रही है, तो ये 30% हो जाएगा, 25 ऊपर के 5 लोगों का मिला के 25% हो जाएगा, तो ये फिर से जो है एसएम लिस्ट में चला जा सकता है, ऐसा भी कंडीशन इसका बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम अगर एक ही बंदा ट्रेड करेगा ना, तो वो जो क्राइटेरिया होगा कि 25 स्टॉक के 25 लोग जो हैं वो 5 दिन के टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 30% नहीं करने चाहिए, तो ये पहला क्राइटेरिया हो जाएगा एसएमए लिस्ट में इसका फिर से जाने का, ठीक है ना, और ऐसा होगा भी मुझे लग रहा है, जैसे ये 16 16 करोड़ खरीदा जा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 25% या 25% से ज़्यादा की तेजी नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए तो अच्छा बात है, लेकिन हुई हो तो वो क्राइटेरिया हो जाता है एसएम लिस्ट में जाने के लिए। तो उसका भी अगर एसएम लिस्ट में देखेंगे तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से 44 रुपए से, तो देखिए यहाँ पे ये लगभग लगभग 25% की तेजी भी दिखा रहा है 5 ट्रेडिंग सेशन में, और इसी 5 ट्रेडिंग सेशन का जो वॉल्यूम टोटल बनेगा उसका अगर 30% वॉल्यूम 25 लोग अगर बाय करके चल रहे होंगे, तो ये फिर से शॉर्ट टर्म के एसएम के लिस्ट में आ जाएगा, जबकि अभी बाय आ रहा था, मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताया था यहाँ पे, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो पीसी यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए, पीसी देखिए ये एसएम लिस्ट से बाहर एसएम लिस्ट में जब शामिल हुआ था 20 दिसंबर को, और ये देखिए 20 दिसंबर अभी देखिए ये 20 दिसंबर को शामिल हुआ था ना, अब 20 दिसंबर को मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा दिमाग चल गया, देखिए 20 दिसंबर को ही ये सारी सारी लार्ज डील देखने के लिए मिली थी, देखिए 20 दिसंबर को, देखिए 20 दिसंबर का ये डाटा देखिए, 19 दिसंबर का डाटा देखिए, 13 दिसंबर का, तो 5 दिन में अगर ये 30% से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड कर लेंगे ना, 25 लोग ऊपर के 25 लोग जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड किए हैं, तो ये एसएम लिस्ट में उस समय गया था इसी इन्हीं लोगों की वजह से, और फिर से जाएगा इन्हीं लोगों की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे आरती प्राइवेट है, एक GQGU है, एक ग्रेविटन रिसर्च है, तो ये इन लोगों को मैं देखता हूँ ना, ये नाम मुझे हर एक स्टॉक में जो है जो एसएम एसएम में जाते हैं, या जिसमें बल्क डील ब्लॉक डील लार्ज डील होती हैं, इनमें ये 3 4 नाम जो है वो रहते ही रहते हैं, ठीक है ना, तो यही ऑपरेटर कहलाते हैं, मैं तो इन्हीं लोगों को ऑपरेटर कहता हूँ, आप चाहे जिसको भी कह लीजिए। तो फिर से इसमें जो है एक एसएम लिस्ट में जाने का खतरा हो चुका है, क्योंकि 2 3 मुझे लग रहा है कि कंडीशन फील हो रही है, और कल भी अभी तेजी आनी बाकी है, तो देख लीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस हम लोगों का ऊपर की साइड में अब तो लगभग बन ही गया है, 57 रुपये से लेके 62 रुपये के आसपास बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 लेवल पहले से मार्क करके दिखाया हूँ, 1 2 3, और ये जो बनेगा इसका जो जोन बन जाएगा, ये जोन है इसका कंसोलिडेशन वाला जोन, ऊपर जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है 1 से 2 महीने के लिए भी कंसोलिडेट कर जाए यहाँ पे, ये आप लोगों को क्वेश्चन मार्क रखना है, या इसकी संभावना है, इसको आप लोगों को मान के ही चलना है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा 62 रुपये के आसपास का टारगेट अभी हाल फिलहाल में मिलने की मुझे संभावना दिख रही है, और वही परफेक्ट टारगेट रहेगा अभी के लिए, लेकिन वो जो बोला हूँ शब्द ना कि ये तेजी 50 रुपये के लिए नहीं हो रही है, किसके लिए हो रही है, वो कमेंट सभी लोगों को करना है, जितने लोग कमेंट करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, और वो वाला टारगेट अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आप लोगों की भी परीक्षा मैं ले लेता हूँ कि आप लोग सुनते हो जो मैं बोलता हूँ, उस पर अमल करते हो, उसको ध्यान भी रखते हो कि नहीं रखते हो, कि मैं टारगेट क्या बताया हूँ, कई बार बता चुका हूँ, तो वो लिखिए कमेंट में कि किस टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, कि 50 रुपये की तेजी नहीं हो रही है, उस टारगेट के लिए तेजी हो रही है, ठीक है ना। तो कमेंट करिए सभी लोग, बाकी आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि जो लोग अभी नए जुड़े हैं इस चैनल से, नई वीडियो मेरी पहली पहली देख रहे हैं पीसी ज्वेलर की, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और जो लोग पहले से देख रहे हैं सब्सक्राइब करके चल रहे हैं मेरे चैनल को, तो लाइक करिए, लाइक तो जरूरी है, करना ही करना है, और प्यारा प्यारा सा कमेंट आप लोग करिएगा, जो भी इस स्टॉक के भविष्य के बारे में आपको लग रहा है, या फिर जो भी अच्छा दिख रहा है, ठीक ना, तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी ना, सबसे पहले मैं बताऊँगा।